हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास थर्ड चैप्टर टू नाउन्स। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट इज अ वर्ड विच नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया। नाउन क्या होता है? जिसमें एक पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और थिंग्स का नाम आता है, तो वो क्या होता है? नाउन होता है। अब आपको यहाँ क्या करना है? सर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको नाउन में क्या करना है? सर्कल करना है। फर्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ पे, विवान इज़ अ नॉटी बॉय। तो अब मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होते हैं? पर्सन नेम, प्लेस नेम, एनिमल नेम, थिंग नेम होते हैं। तो इसमें क्या आते हैं? इनके नेम आते हैं। तो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, विवान क्या है? पर्सन है, तो पर्सन का नेम है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो हमें क्या करना है? इसे सर्कल करना है ऐसे। नेक्स्ट हमारा, द डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन। तो अब आपको पता है कि डॉक्टर क्या है? पर्सन के अंदर ही आता है, तो हमने इसे भी सर्कल ऐसे कर दिया। नेक्स्ट, दिस पेन हैज़ नो इंक। अब आपको बताया था पर्सन के अलावा हमें यहाँ पे प्लेस, एनिमल, थिंग्स भी हैं। तो ये क्या हमारा? पेन। पेन हमारे थिंग है, तो हमने यहाँ पे पेन में सर्कल कर दिया। ऐसे ही आपको और भी नाउन मिलेंगे जिनमें आपको आपको क्या करना है? सर्कल करना है। टू गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे क्या है? गर्ल्स हमारा नाउन हो गया। आवर क्लासरूम इज़ वेरी बिग। तो क्लासरूम हमारी क्या है? जगह है, प्लेस है, तो हमने यहाँ पे इसे सर्कल कर दिया। द टोटो इज़ डिपिक्टेड द हेयर। तो यहाँ पे टोर्टोइज हमारा क्या है? एनिमल है, तो हमने इसे सर्कल कर दिया क्योंकि ये नाउन है। कलर द वर्ड विच इज़ नॉट नाउन इन ईच ग्रुप। अब आपको करना है, कलर करना है कि जो इसमें से क्या नहीं है, नाउन नहीं है, उस पर कलर करना है। सन, स्काई, स्टार, मून, इनका मीनिंग भी है, बट ये क्या है? नाउन है, बट ये नाउन नहीं है क्योंकि ना तो ये प्लेस में आता है, एनिमल में आता है, ना ही पर्सन में आता है और ना ही थिंग में आता है। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या है? फ्लाई, ये भी किसी चीज़ में नहीं आता है। बोर्ड, चेयर, टेबल, ये क्या है हमारी? ये हमारे थिंग्स हैं, बट राइट दिस इज़ नॉट। गर्ल्स, सिंग, बॉयज, स्कूल, म्यूज़िक, इनमें से क्या है हमारा? नाउन हमारा क्या नहीं है इसमें? सिंग। पार्क, प्लेयर्स, प्ले, फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें से भी प्ले हमारा नाउन नहीं है। गॉट, माउस, काउ, डॉग, रन, तो इसमें से क्या है? रन, ये क्या नहीं है? नाउन नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया। इसमें क्या होता है? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और थिंग का नाम होता है, जिसे हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। एग्जाम्पल, बॉय, सिटी। तो कॉमन नाउन हमारे क्या हो गए? जो सब सेम हो, किसके लिए? एवरी पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए, जिसमें कोई डिफरेंट ना हो, मीन्स सारे कॉमन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल दिया गया बॉय। अब यहाँ पे हमने बॉय लिखा है, तो ये सब कॉमन हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि इसमें ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, यहाँ पे सब इक्वल है। मीन्स अगर छोटे हैं तो सारे छोटे ही हैं यहाँ पे, है ना? जैसे बॉय है और सिटी है, ये हमारे कॉमन नाउन हुए। नेक्स्ट है, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दे बिगिन विद कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल, मुंबई, चीना। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन। जो पर्टिकुलर नेम होते हैं पर्सन के, एनिमल के और थिंग्स के, उन्हें बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन स्टार्ट कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर के साथ होते हैं,
एग्जाम्पल आपको दिया गया, जैसे मुंबई, तो मुंबई में हमने इसे कैपिटल में लिख दिया एम लेटर, तो ये हमारा हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। टीना, टीना में भी फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। तो आपको क्लियर हो गया कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन टू एवरी पर्सन, इसमें क्या होता है, जो नेम होता है ना, नेम, एवरी पर्सन का नेम कॉमन होता है, उसको लिखा भी ऐसे जाता है। तो एवरी पर्सन का नेम, एनिमल का नेम और थिंग्स का नेम क्या होता है, सब सेम होते हैं। पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, एनिमल एंड द एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में वो होता है, प्रॉपर नाउन में ये होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, तो ये प्रॉपर नाउन की निशानी है, मीन्स ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है, जिससे पता चलता है कि प्रॉपर नाउन है, और ये कॉमन नाउन है, जिससे पता चलता है कि कॉमन नाउन है। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन दिस सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको कॉमन नाउन में ही ऑनली अंडरलाइन करना है। ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। अब आपको दिखाई दे रहे कॉमन नाउन क्या बताया था मैंने आपको, जो सेम हो, तो यहाँ पे सेम क्या है, ऑलमोस्ट सभी हैं, पर नाउन क्या है इसमें, बॉल, बॉल क्या है, थिंग्स, पार्क क्या है, प्लेस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बॉल पे और पार्क में अंडरलाइन किया। ऐसे द बैंड प्लेड द होल नाइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बैंड पे सॉरी बैंड पे अंडरलाइन एंड नाइट पे अंडरलाइन किया। नेक्स्ट ही रिंग्स द बेल वेल व्हेन स्कूल गॉट ओवर। बेल स्कूल, बेल क्या हो गई हमारी, थिंग हो गई, स्कूल हमारा प्लेस हो गया। शी बॉट अ बोट फॉर हिज बर्थडे, बोट बर्थडे, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन नाउन में अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है रीड द फिल इन द कॉमन नाउन टू कंप्लीट दीज एनालॉजीज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है, कॉमन नाउन को यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे गिल्स आर टू एस लंग्स आर टू, तो आपको क्या करना है, जो गिल्स होते हैं, गिल्स जो मछली होती है, फिश होती है, वो गिल्स से सांस लेती है, और जो वुमेन होती है, मैन होता है, कोई भी होता है, वो किससे सांस लेता है, लंग्स से। तो क्या है यहाँ पे, एग, एग कौन देता है, हैन देती है। एंड एग इज टू हैन, एग कौन देता है, हैन देता है, एज मिल्क इज टू काउ, ऐसे आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट हमारा है बाय मिस्टेक यू हैव मिक्स्ड अप द फॉलोइंग वर्ड कार्ड्स, नाउ सेपरेट दैम एंड पुट दैम इन द राइट बॉक्स। तो यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों मिक्स हो रखे हैं, तो हमें उन्हें अलग करना है, प्रॉपर नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन के नेम लिखने हैं और कॉमन नाउन के अंदर कॉमन नाउन के नेम लिखने हैं। अब आपको पता है कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं कि जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सारे फर्स्ट लेटर पहले लिख दिए हैं, से फर्स्ट लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है हमने प्रॉपर नाउन के अंदर लिख दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं। और कॉमन नाउन में क्या होता है कि सारे वर्ड सिमिलर होते हैं, मीन सेम सेम होते हैं, आगे भी और पीछे भी, तो हमने यहाँ पे सारे फिल कर दिए। तो आपको यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे आपको लिखना है, राइट टू प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नाउन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर नाउन लिखनी है दो दो, तो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसके दो दो प्रॉपर नाउन लिख, जैसे टीचर हो गया, सिटी, पोएम और राइम एंड स्नेक, तो टीचर कोई भी हो गया, जैसे हमने नाम यहाँ पे लिख दिया मुकेश एंड राधा, ये क्या है, टीचर हो गए। सिटी, दिल्ली एंड कोलकाता। पोएम, ट्विंकल ट्विंकल एंड जॉनी जॉनी। स्नैक, मैगी, स्नैक्स में क्या लेते हैं, मैगी एंड समोसा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग दैट यू कैन नॉट टेस्ट, टच और सी। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब्स हाउ यू फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसमें चीज़ों को छुआ नहीं जाता, चखा नहीं जाता और देखा नहीं जाता, केवल महसूस किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसे फील किया जाता है।
एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं हैप्पीनेस, हेल्थ, डिटर्मिनेशन। तो एग्जाम्पल आपको समझ आ गई, जब आप रोते हो तो आप क्राई करते, जब आपको गुस्सा आता है तो आप एंगर करते हो ना, तो ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रोना, जब आप दुखी होते तो रोते हो तो ये भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप खुश होते हो, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स आप समझ गए, इसे क्या होता है ओनली फील किया जाता है, टेस्ट नहीं किया जाता, ना टेस्ट किया जाता और ना ही देखा जाता है, सी किया जाता है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड 12 एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड ग्रिड एंड राइट देम बिलो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस ग्रिड बॉक्स है जो, इसमें से आपको 12 एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्च करना है और यहाँ लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे लिख दिया जॉय, हमारा नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिल कर रखा है, सेकेंड हमारा एंगर। तो आपको ही ऐसी सर्च करके यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें पीपल, एनिमल और थिंग्स का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन होता है उनका। मीन्स कलेक्शन किस किस का होता है, पीपल का, एनिमल और थिंग्स का, इन तीनों का कलेक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, ग्रुप ऑफ फाइल्स, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज। तो ये क्या है, ग्रुप मीन्स समूह होता है ना, तो कलेक्शन वही हो गया हमारा, और फ्लाइज मतलब किसी चीज़ का समूह हो गया। तो यहाँ पे पीपल का समूह भी ले सकते हैं, एनिमल्स का ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ का हम क्या ले सकते हैं, ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया है कि अ ग्रुप ऑफ ग्रैप्स, ग्रैप्स का ग्रुप ले लिया गया है, अ बंच ऑफ ग्रैप्स, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब आपको दिखाई दे रहा है अ ग्रुप ऑफ फ्लाइज, मीन्स पूछा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज का ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पे आपको उसका नेम लिखना, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ ग्रुप ऑफ ग्रैप्स, ग्रैप्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, अ बंच ऑफ ग्रैप्स। तो ये हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स, जिसमें किसका कलेक्शन होता है, पीपल का, एनिमल और थिंग्स का कलेक्शन किया जाता है, उनके ग्रुप के नेम हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो ग्रुप का नेम हमें यहाँ पे लिखना है, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, अ बंच ऑफ ग्रुप्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच द पिक्चर्स टू द कलेक्टिव नाउन्स। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, तो आपको क्या करना, पिक्चर को मैच करना है। जैसे बंच क्या है, यहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का बंच है। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लस्टर की इमेज यहाँ पे है। नेक्स्ट है फ्लीट, तो आपको फ्लीट के इमेज में आपको कलेक्टिव नाउन को पिक्चर से मैच करना है। नेक्स्ट है फ्लॉक, हर्ड एंड पैक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है कलेक्टिव नाउन से। नेक्स्ट है अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन इन ईच सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कलेक्टिव नाउन पे। द शेपर्ड शॉट अस हिज फ्लॉक ऑफ शिप, तो हमें क्या करना था, कलेक्टिव नाउन क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फ्लॉक ऑफ शिप। द पैक ऑफ वुल्स चेस्ड द डियर, तो पैक ऑफ वुल्स, तो हमारा ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये पैक में आ रहा है, मीन्स ग्रुप में आ रहा है। तो आपको ग्रुप वाली जो भी चीज़ दिखाई दे उसमें वो क्या होगी, हमारी कलेक्टिव नाउन होगी, और उसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अ डर्टी पेयर ऑफ शूज इज लाइंग नियर द डोर, तो क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ शूज, तो आपको ऐसे ही अंडरलाइन करना है और यहाँ पे फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा नाउन क्या होता है, जिसमें पर्सन का नाम आता है, प्लेस, एनिमल और थिंग्स का नेम आता है। ऐसे हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एनिमल, थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, मीन्स सेम होते हैं इसमें, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं जिसमें फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल में लिखा जाता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है,
कि देखा नहीं जाता, छुआ नहीं जाता और टेस्ट नहीं किया जाता है. क्या किया जाता है? ओनली फील किया जाता है. कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, इनका क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है. तो आपको समझ आ ही गया होगा. द चैप्टर इज़ ओवर.